बटुकलाल ने पकड़ा चोर। बहुत पहले की बात है, एक टनकपुर नाम के गांव में बटुकलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। एक दिन उसके घर में एक चोर आता है। वह चुपके से एक कमरे में जाता है। कुछ देर के बाद वह कई सामान चोरी करके भाग जाता है। सवेरे बटुकलाल उठते हैं और कमरे में उनकी नजर पड़ते ही वह चिल्लाने लगते हैं, अरे ये सब क्या हो गया है? लगता है घर में रात में कोई चोर आ गया था और उसने हमारे सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया है। हाय राम, ये क्या हो गया? चोर ने मेरे मायके से मिले हुए सारे उपहार चुरा लिए। मेरा पान का डिब्बा भी ले गया, साथ में मेरा आंवले का मुरब्बा भी ले गया। शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा होते हैं। क्या हो गया बटुकलाल? अरे भैया कुछ मत पूछो गिरधारी लाल, हमारे घर चोरी हो गई गिरधारी भाई, चुरा कर ले गए सारी कमाई। जेवर पैसे वगैरह तो सुरक्षित हैं? हाँ वह सब तो बचे हैं, मेरे कई सामान पर हाथ साफ कर गया है। दो पड़ोसी आपस में धीरे धीरे बात करते हैं। तब गया ही क्या है? एक पड़ोसी बटुकलाल को सुझाव देता है, मेरी सुन लो अब तत्काल, एक ठो कुत्ता अब लो पाल। बटुकलाल कुछ सोचने लगते हैं। क्या सोच रहे हो बटुक भाई? मैं तो हिसाब लगा रहा था, उसके खाने का भी खर्चा आएगा। नहीं पालोगे तो जो बचा है वह भी जाएगा, कुत्ता तो होता है बहुत वफादार, धन की रक्षा करेगा बन के चौकीदार। अगले दिन बटुकलाल ने एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला पाल लिया। उनके पड़ोसी प्यारे लाल ने कुत्ते का नाम मोती रख दिया है। उसको ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। इसके बदले बटुकलाल की धर्मपत्नी से उन्हें एक कप चाय और दो बिस्किट मिल जाते हैं। प्यारे लाल कुत्ते को सामने देखकर बोलते हैं, भौं भौं, भौं भौं। अरे प्यारे लाल तुम भी करते हो कमाल, भौंकना तो उस कुत्ते को आता है, चोर पकड़ने की तरकीब सिखाओ। अरे मेरे भैया बनवारी, ये सिखाने की स्टाइल है हमारी, हम तो इसकी भाषा में इससे बात कर रहे हैं। मोती भी सर हिला के पूंछ हिलाने लगता है। बटुकलाल एक पड़ोसी से एक बड़ा जाल उधार लेकर आते हैं और प्यारे लाल की तरफ देखते हैं। सुन लो भाई बटुकलाल, एक दिन यह मोती करेगा कमाल। एक रात वही चोर चुपके चुपके बटुकलाल के घर के पास आ जाता है। इस बार उसका लंबा इरादा है। मोती चोर को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। चोर धीरे धीरे अंदर जाता है। वह सामान धीरे धीरे निकालने लगता है और अपनी बड़ी सी झोली में डालने लगता है। वह मन में सोचने लगता है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा माल हाथ लगा है, अब मैं खूब मजे करूंगा। इधर मोती चुपके से बटुकलाल के खाट के पास पहुंच जाता है और वह उन्हें जगाता है। बटुकलाल जोर जोर से खर्राटे लेते हुए सोए पड़े हैं। मोती उनकी धोती पकड़कर खींचने लगता है। धोती खुलने के पहले ही बटुकलाल की नींद खुल जाती है। मोती उन्हें उस कमरे की तरफ ले जाता है जहां चोर बड़े ही ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहा है। बटुकलाल अपने हाथ में डंडा लेकर चोर की तरफ बढ़ते हैं। मोती लपक कर चोर की पतलून पकड़ लेता है। वह जैसे ही भागने लगता है उसकी पीठ पर बटुकलाल का डंडा पड़ता है। वह आगे गिर जाता है, उसका पूरा चेहरा गोबर में सन जाता है। वह चिल्लाता है, बचाओ बचाओ मुझे मत मारो, एक तरफ गोबर दूसरी तरफ पिटाई, इस कुत्ते से मुझको बचाओ कोई भाई। बटुकलाल ने उस पर तुरंत डाल दिया जाल। कुछ लोगों ने चोर की पिटाई करते हुए अपने हाथ साफ कर लिए हैं। आसपास के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और चोर का चेहरा देखकर सबको हंसी आने लगती है। पूरे चेहरे पर गोबर का मेकअप लगा हुआ है। बटुकलाल भी बहुत खुश होते हैं। वहाँ एक दरोगा और कुछ पुलिस भी आ जाते हैं, चोर को पकड़कर हवालात ले जाते हैं। प्यारे लाल,
देखा मोतीलाल का कमाल। मोती शान से आंखें मटकाता है, सभी लोग हंसने लगते हैं। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा।